नमस्कार, डू इट योरसेल्फ इंस्पिरेशन में आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। शायद आप उपहार पैक करने के लिए कुछ अच्छा सा पैकिंग ढूंढ रहे हैं और ये है आपके लिए प्यारा सा पैकिंग, प्यारे से उपहार के लिए खरगोश के आकार में। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए सैंड पेपर बैग, ये दो कपड़ों की पिंस, स्केच पेंस मुँह बनाने के लिए, सफ़ेद कागज़, गर्म गोंद की बंदूक इस्तेमाल करूँगी मैं कान पिंस को चिपकाने के लिए, और ये है, ये सफ़ेद पेपर में ऐसे मोड़ लिया है मैंने और मैं ऐसे उसको काट के खरगोश के कान बनाऊँगी। तो ये काट लिया और मैं अगर ये खोलती हूँ तो एक ही आकार के दो कान मेरे को एक जैसे एक साथ मिल जाते हैं। और अब ये कान में गुलाबी रंग से अंदर से रंगाऊंगी तो ये अच्छे भी दिखेंगे। और ये पिंस पे मैं ऐसे इन कानों को चिपका दूंगी तो अगर मैं ऐसे खोलूंगी तो ये बैग ऐसे में अंदर से लगा पाऊंगी और कान ऊपर से अच्छे दिख जाएंगे। तो ये है मेरी बैग, इसको मैं नीचे से मुंह बनाऊंगी खरगोश का। इस पे तो आसान है, आपको इस पे एक त्रिकोण बनाना है। वो त्रिकोण थोड़ा सा ऐसे नीचे लीजिए और इस तरह से ये दो आकार मैंने बना लिए हैं और ये बना लिए दांत। और इधर से मैं उसकी मूंछ बनाऊंगी। वक्र आकार से मुंह बना लिया मैंने, दांत बना लिए और ऐसे मुंह भी बना लिया है। अब हम निकालेंगे इसकी खरगोश की आंखें। और इस पे मैंने ये उसका नाक मैंने थोड़ा गुलाबी रंग से भर दिया है ताकि वो कान से अच्छी तरीके से दिखे, प्यारा दिखे। और ये बैग में मैंने उपहार डाल के उसको ऐसे पीछे से मैंने मोड़ दिया है, नीचे तक मोड़ी है इसको। और फिर ये जो दो कान हमने बनाए हैं वो इस तरह से आप ऊपर लगा सकते हैं ताकि वो बैग जो है वो भी बंद हो जाए और उसके खरगोश के कान भी दिखे। तो ये हो गया हमारा पैकिंग तैयार। ये बहुत, जैसे आपने देखा, आसान है बनाना, जल्दी भी बन जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको जिस रंग में चाहिए वो रंग आप इसके कान में डाल सकते हैं या फिर उसका नाक अलग रंग से आप रंग सकते हैं, या फिर खरगोश भी नहीं, आप भालू भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे इस तरह से आप इस पैकिंग को सजा सकते हैं। तो कमेंट्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप और अच्छी तरकीबें क्या हमारे साथ बांटना चाहेंगे, आपके पास ऐसी कोई तरकीबें हैं। कमेंट्स में लिखिए, लाइक कीजिए और दूसरे वीडियोस भी देखते रहिए। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।